चटनी है ना पुलियो ग्रे का मिल बनेगा पुलियो ग्रे मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ ओ राइस दिस इज पुलियो ग्रे पुलियो ग्रे और पोंगल पोंगल ओ ओ ये तो खारा पोंगल स्वीट स्वीट पोंगल बीसी पहला भात बीसी पहला भात दिस इज सांबर रसम रसम इज वेरी गुड रसम टेस्ट वेरी गुड वांगी भात टोमेटो राइस लेमन राइस वेरी टेस्टी अभी पोंगल पैक हो रहा है ना पुलियो ग्रे सो दिस प्लेस लुक्स वेरी 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 बिजी आप देख सकते हो बहुत बहुत फास्ट फास्ट काम हो रहा है और यहाँ पर भैया लोग के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है यहाँ पर ये मेरा प्लेट लग रहा है ये पुलियो ग्रे के साथ हमें मिली है दही दिस लुक्स वेरी टेस्टी टू मी और ये रहा मेरा खारा पोंगल और पोंगल हमेशा वीकेंड पर ही मिलता है मोस्ट ऑफ द जगह पर दिस इज रसम वेज सूप थैंक यू हाँ वो हम लोग का भाजी है हम लोगों का So this is basically day 3 of me in Bengaluru city and I am starting off with this very quiet and authentic and famous spot which is Puliyogre. Thank you. The locals are very 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 kind and courteous cults like last cult से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है Starting off with this very authentic and famous point Puliyogre. And यहाँ पर the items see if my pronunciation goes little up and down then please spare me and please forgive me I'm just trying to get adapted with the local language so यहाँ पर I have taken all the best item of this place ना एक चीज़ बता दूँ यहाँ पर I am eating मिर्ची भाजिया जिसके साथ we have got this चटनी this is coconut चटनी now this is भैया ये वड़ा क्या है हाँ मधुर वड़ा भदूर नहीं भ बट दिस इज़ कॉम्प्लीमेंट्री दैट भैया इज गिविंग मी कॉम्प्लीमेंट्री क्योंकि यहाँ पर क्या है ना एक एक प्लेट में चार पीस यहाँ पर आपको वो प्लेटर सिस्टम नहीं मिलेगा बेस्ट विथ रसम एंड सांबर ओके एज पर द लोकल्स दिस इज बेस्ट विथ रसम एंड सांबर सो आई थिंक वी शुड गेट रसम दिस इज रसम नो नो दिस इज नॉट रसम रसम है टमाटो का तो एज पर द लोकल्स भाजी गोज रियली वेल विथ रसम एंड सांबर सो हम लोग रसम मंगाएंगे ये भैया ने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री दिया बिकॉज जैसे कि मैं बोल रही थी एक प्लेट में देयर फोर पीसेज यहाँ पर प्लेटर सिस्टम नहीं है ऑल्सो आई एम गोइंग टू ईट दिस पुलियो ग्रे हाँ ऑर्डर पुलियो वग्रे विच इज़ बेसिकली यू नो मेरे को छौका हुआ चावल लग रहा है देख के विथ यू नो साउथ इंडियन मसालाज एंड एवरीथिंग एंड दिस गोज रियली वेल विद दही एज पर देम इसको दही के साथ खाया जाता है नाउ यहाँ पर क्या है वीकेंड में ही आपको पोंगल मिलेगा सो दिस इज पोंगल आई हैव नेवर एवर एट बिफोर क्या है नहीं है मुझे नहीं पता एंड इसके साथ दे हैव गिवन अ टोमेटो सूप अ वेजिटेबल सूप उनके हिसाब से वेजिटेबल सूप था स्वीट दिस इज अगेन अ स्वीट वर्जन ऑफ पोंगल वॉट इज पोंगल आई नीड टू सर्च पोंगल तो मेरे को फेस्टिवल ही पता है पॉरेज की तरह लग रहा है राइस से बनता है ये खिचड़ी बोल सकते हैं पॉरेज बोल सकते हैं सो बेसिकली राइस से बनता है और मेरे को ये देख के तो पॉरेज की तरह ही लग रहा है तो चलो खाते हैं अब दिस इज़ मिर्ची वड़ा स्टफ्ड मिर्ची बेसन का पकौड़ी है यहाँ की मिर्ची बहुत डिफरेंट है कलर्स ट्रांसलूसेंट सी सच ब्यूटीफुल ट्रांसलूसेंट कलर लेट्स ईट विद द चटनी दिस कोकोनट चटनी इज़ वेरी नाइस Mmm.
इट्स स्पाइसी टैंगी, इसमें ना हल्का मिंट, ओके दिस कोकोनट चटनी इज इन्फ्यूज्ड विद मिंट, मिंट चटनी, सो इट्स लाइक यू नो टेस्टिंग वेरी मिंटी, कोकोनटी, स्पाइसी, टैंगी, लिटिल स्वीट, क्वाइट फ्लेवरफुल. इसके अंदर मेरे को प्याज दिख रहा है, मिर्ची दिख रहा है, एंड ये बना किस चीज़ से है? लेट्स ईट. तो बाद में रिसर्च करके पता कैसा लग रहा है. ये ना हमारे यहाँ भी बनता है, दाल ना दाल का नहीं है. स्वाली की तरह लग रहा है, बट स्वाली इज टू क्रिस्पी, दिस इज लिटिल यू नो लेस क्रिस्पी, बट इसमें जो बार बार एक जला हुआ प्याज का और मिर्ची का जो तीखापन आ रहा है ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा जा रहा है, एंड दिस इज रियली गोइंग वेरी वेल विद दिस कोकोनट चटनी. ये मेरे को पॉरिज की तरह लग रहा है, जिसके अंदर यू नो देर इज बादाम विच इज पीनट, कड़ी पत्ता, जीरा दिख रहा है. और इसकी खुशबू बड़ी सोलफुल एंड डिवाइन है, लाइक इट्स वेरी यू नो कम्फर्टिंग, द टेक्स्चर एंड द स्मेल इज वेरी कम्फर्टिंग. ओके इसमें मिर्ची भी दिख रहा है मेरे को. थाली मील्स 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 आप देख सकते हैं पीछे एक मतलब मील्स भी है, सो ये एकदम फुल प्लैटर है, बिकॉज इट्स संडे व्हेन आई एम शूटिंग एंड ईटिंग एट दिस प्लेस. तो यहाँ पर संडेज को काफ़ी वैरायटीज भी मिल जाती है, और बहुत सारी ईटरीज ऐसी है जो बहुत लॉन्गर टाइम के लिए भी खुली रहती है, इवन इफ द ब्रेकफास्ट पॉइंट, वो भी बहुत लॉन्गर टाइम के लिए खुली रहती है. सो लेट्स ईट द पोंगल, फर्स्ट बाइट टू ईटिंग पोंगल, आई हैव नेवर एवर ईट बिफोर. मूंग का दाल भी डाला हुआ है इसमें. ओ माय गॉड दिस इज सो कम्फर्टिंग, इट इज जस्ट टेस्टिंग लाइक यू नो खिचड़ी. पॉरेज इज नॉट द राइट सिनोनिम्स फॉर दिस डिश, इट्स टेस्टिंग जस्ट लाइक खिचड़ी, भगवान का प्रसाद का खिचड़ी ऐसा होता है ना वैसा. इट्स वेरी डिवाइन, वेरी सोलफुल टू माई टेस्ट पैलेट. इट्स स्पाइसी, सॉल्टी, एंड पता है इसमें जो बादाम है ना विच इज पी नट, ओ दिस काजू एज वेल, ये काजू है ना बहुत अच्छे से सॉफ्टन हो गया है. Let's take it with the vegetable soup. Sweet and tangy. This is basically a tomato based soup. Isme tomato hi taste bahut zyada aa raha hai. It's chilled. It's meetha, it's khatta. Wow. What a lovely delicacy, I just love it. So अब हम खाएंगे पुलियो वगरे पॉइंट का फेमस पुलियो वगरे. नाउ आप देख सकते हैं दिस इज फ्लेवर्ड राइस एंड विथ कड़ी पत्ता, एंड मेरे को इसमें राई दिख रहा है. ये वाला आइटम मैंने खाया था एक बार, बट पैकेज खाया था और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, हमने जब पैकेज मंगा के खाया था. इसके अंदर मुझे दिख रहा है बादाम, दिस इज वॉट जिंजर आई थिंक, फाइनली चॉप जिंजर. What is this? Ginger hai na? Coconut. Ye shred kiya hua coconut dala hua hai isme. There is badam which is peanut, curry patta, rai and kafi acche masalon ke sath isko toss karke you know flavored tossed rice. Now this goes really well with the curd. So let's take the curd, put it onto this and let's eat. अभी मैं यहाँ पर जो भी आइटम ये फूड आइटम खा रही हूँ दिस इज ऑथेंटिक एंग्री कुजीन एंड या दिस इज सुपर डिलीशियस. दैट वाज लाइक मोर लाइक अ खिचड़ी, दिस इज मोर लाइक अ चौका हुआ राइस, अ वेरी डिलीशियस सुपर यू नो सुपर सॉर्टेड एंड अ लॉट ऑफ फ्लेवर्स आर देयर. You know, it's halka sweet, sour. Actually, basically, I tell you one thing. Anything which has curry patta in itself has such beautiful, blissful, delicious flavors. I cannot explain you how good it is. So, uske wajah se kafi acha lag raha hai. And beech mein wo coconut and badam ka jo crunch aa raha hai na, that is also adding a lot of good flavors along with the rye crunch too. ये ठंडी ठंडी दही जब इस
आप इसको जब ठंडी ठंडी दही के साथ खा रहे हो ना तो और मज़ा आ रहा है। Now we will end this delicious angry breakfast by eating this sweet pongal. Oh my god, this is so good. This like aise lag raha hai there's blast of divine flavors into my mouth. So basically very soft rice उसके साथ इसमें ना गुड़ का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, नारियल का टेस्ट आ रहा है, कपूर का टेस्ट आ रहा है। सो दिस इज़ गिविंग मी मोर लाइक यू नो प्रसाद वाला इफेक्ट, प्रसाद वाला फीलिंग ज़्यादा आ रहा है मेरे को। एंड दिस इज़ सो सोलफुल, आई कॉन्ट टेल यू, यू कैन कॉल इट एज खीर पायसम, यू कैन कॉल इट एज खीर, यस अ बेटर वर्जन ऑफ खीर, फार मोर बेटर वर्जन ऑफ खीर। इसमें किशमिश भी है और जो कोकोनट को श्रेड करके डाला है ना, दैट्स वेरी टेंडर, वेरी टेंडर।